इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे पुर्तगाल टीटीएन के दोस्तों आज के मैच नंबर 1 के बारे में जो आपका खेला जा रहा है एलएसजी और दोस्तों टीटीपी टीम के बीच में। ये जो मैच है दोस्तों दोपहर के 2:30 से स्टार्ट होगा और दोनों टीमों का ना ये फर्स्ट मैच रहने वाला है। तो सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों जब फर्स्ट मैच रहता है तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, प्लेयर का दोस्तों रिकॉर्ड को जानना और उस रिकॉर्ड को दोस्तों ध्यान में रखते हुए एक अपना कॉम्बिनेशन रेडी करना। और इस वीडियो में दोस्तों मेरा जो मेन फोकस है उसी चीज़ पे है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा यदि आप इस मैच में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो प्लेयर को रिकॉर्ड को ध्यान में रख के टीम बनाइएगा, न कि सिलेक्शन परसेंटेज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि 2-3 प्लेयर का तो इतना हाई सिलेक्शन है ना, किसी का 85% किसी का 90% है और रिकॉर्ड दोस्तों कोई काम का नहीं है, एकदम बेकार रिकॉर्ड है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और यदि आप खुद से टीम बनाना चाहते हो तो रिकॉर्ड भी मैंने दे दिया है, और यदि आप मेरी टीम के साथ जाना चाहते हो तो मैं भी अपना फाइनल टीम आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दूंगा, आप उसको सेव कर लीजिएगा। यदि इस टीम में कोई प्लेयर बाई चांस अब्सेंट हो जाता है, मिस हो जाता है, तो मैं फाइनल टीम फिर से आपको टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा। यदि आप नए हैं और अभी तक आपने टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है ज़रूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जानते हो कहाँ मिलेगा, इसी वीडियो का आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन ओपन कीजिएगा, वहाँ पर भी अवेलेबल है। और कमेंट सेक्शन ओपन कीजिएगा, वहां पर भी फर्स्ट कमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा। जाइए दोस्तों टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए, ठीक ना। और साथ ही साथ दोस्तों यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट कोशिश कीजिएगा नोटिफिकेशन का घंटी बजा दें, जिससे दोस्तों आने वाले वीडियो का आपको ईजिली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक ना दोस्तों। और हाँ, आप सभी दोस्तों को हैप्पी होली। ये बात करते हैं दोस्तों हम लोग LSG और दोस्तों TTP के मैच में क्या कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे और दोनों टीमों के सभी प्लेयर का स्टैट्स पे फोकस कर लेते हैं, क्योंकि दोनों टीमों का ये दोस्तों फर्स्ट मैच है, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे, विकेट कीपिंग सेक्शन में। यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन एच पटेल का मिलेगा, जो दोस्तों 2023 में डेट मीन्स लास्ट ईयर 6 मैच खेले थे T10 में इसी टूर्नामेंट में, जहाँ पे बैटिंग से 84 रन स्कोर किए थे और 6 मैच में 4 ओवर बॉलिंग करके 3 विकेट भी लिए थे। सेफ ऑप्शन है, अच्छे प्लेयर है, ट्राई कर सकते हैं। नीचे आपको एफ यूदीन का ऑप्शन मिलेगा, जो T10 तो कभी खेले नहीं है, T20 में 216 मैच खेल के आ रहे हैं, जहाँ पे बैटिंग से 172 रन स्कोर किए हैं। देखो दोस्तों अभी ना सेफ ही जाओ, एस पटेल को ही ले लो, क्योंकि T10 में खराब रिकॉर्ड नहीं है, 6 मैच में 84 रन और पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर लेते हैं यदि ये विकेट कीपिंग नहीं करते हैं। और एफ यूदीन का क्या है दोस्तों, ये इनका T20 का रिकॉर्ड है, ठीक ना, और 16 मैच में 200 से ऊपर रन रहता तो ज़्यादा बेस्ट रहता, थोड़ा सा कम है। आइएगा दोस्तों बैटिंग सेक्शन में, यहाँ पे आपको ए श्रीवास्तव का ऑप्शन मिलेगा, जो 10 मैच खेले T10 में लास्ट ईयर, जहाँ पे बैटिंग से सिर्फ 6 रन स्कोर किए, और पता नहीं लोग इनको क्यों ले रहे हैं टीम में यार, 88% सिलेक्शन है और बंदे का रिकॉर्ड 10 मैच में 6 रन है। यार 6 मैच में 10 रन रहता तो कोई बात है, 10 मैच में 6 रन है, भाई लोग यार क्यों ले रहे हो। नीचे आइएगा दोस्तों तो आपको ए अतुर का ऑप्शन मिलेगा, 83% सिलेक्शन है, रिकॉर्ड देखिए तो 9 मैच के लिए T10 में, जहां पे बैटिंग से 145 रन स्कोर किए हैं, रिकॉर्ड खराब नहीं है, आप इनको ट्राई कर सकते हो। नीचे ए चैम्बर, जिनका सबसे बेस्ट रिकॉर्ड है बैटिंग सेक्शन में दोस्तों, इस प्लेयर से अच्छा किसी का रिकॉर्ड नहीं है, बट लोग इसी को नहीं ले रहे हैं, क्यों भाई लोग क्यों कर रहे हो। आप इनका रिकॉर्ड देखो ना, इन्होंने 22 मैच खेला था लास्ट ईयर, सिर्फ मैं लास्ट ईयर का बता रहा हूँ, जहाँ पे बैटिंग से 426 रन स्कोर किए थे। बहुत अच्छा प्लेयर है दोस्तों, ओपन बैटिंग करेगा, इसके बिना मत जाइएगा बैटिंग सेक्शन से, वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं। नीचे आपको आर पटेल का ऑप्शन मिलेगा, जो 10 मैच खेले T10 में, जहाँ पे बैटिंग से सिर्फ 4 रन स्कोर किए, कुछ खास ऑप्शन नहीं है, ड्रॉप मारो दोस्तों। एक आदिर का ठीक ठाक रिकॉर्ड है, इन्होंने दोस्तों T10 में देखो तो 7 मैच खेले, जहाँ पे बैटिंग से 113 रन स्कोर किए और ओपन बैटिंग करेंगे, सिलेक्शन भी हाई है, ट्राई दोस्तों आप इनको कर सकते हो। एस अटारी दोस्तों आपको बॉलिंग करके देंगे, 9 मैच खेले दोस्तों लास्ट ईयर T10 में, जहाँ पे बैटिंग से 44 रन स्कोर किए और 9 मैच में दोस्तों आपको बॉलिंग से 8 विकेट प्रोवाइड किए 11 ओवर बॉलिंग करके। जैसा मैंने बोला दोस्तों, एस अटारी का ध्यान रखिएगा, बैटिंग सेक्शन में नाम है बट आपको बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। फिर नीचे आपको टीसा का ऑप्शन मिल जाएगा, 9 मैच खेले T10 में, जहाँ पे बैटिंग से 102 रन स्कोर किए हैं। नीचे दोस्तों आपको एस बुबिक का ऑप्शन मिल जाएगा, ये भी दोस्तों आपको बॉलिंग करता हुआ ही दिखेगा, 10 मैच खेले T10 में, जहाँ पे 16 ओवर का बॉलिंग किए और 10 मैच में आपको 4 विकेट प्रोवाइड किए, डेट मीन्स ये बॉलिंग दोस्तों जरूर करता है, विकेट इसको ना कम मिलता है।
नीचे आइएगा दोस्तों तो आपको यू रहमान का ऑप्शन मिल जाएगा जो 20 मैच खेले T10 में, जहां पे बैटिंग से 37 रन स्कोर किए और इस 20 मैच में आपको 2 विकेट प्रोवाइड किए 3 ओवर बॉलिंग करके। फिर नीचे आइएगा दोस्तों तो आपको बी करण का ऑप्शन मिल जाएगा जिनका कोई भी स्टैट्स दोस्तों राइट नाउ अवेलेबल नहीं है, ड्रॉप करके चलिए। नीचे दोस्तों आपको जेड हसन का ऑप्शन मिल जाएगा जो 22 मैच खेल चुके हैं T10 में, जहाँ पे बैटिंग से 186 रन स्कोर किए हैं। फिर नीचे दोस्तों आपको ए राही का ऑप्शन मिलेगा जो 2 मैच खेले T10 में, जहाँ पे बैटिंग से 11 रन स्कोर किए हैं। कुछ खास ऑप्शन दोस्तों ये सब प्लेयर का ना है नहीं, और इनमें से ना दोस्तों बहुत प्लेयर का स्टैट्स भी अभी तक अवेलेबल नहीं है। ऐसे मैं कोशिश कर रहा हूँ यदि इनमें से कोई प्लेयर खेलता है ना तो उनका स्टैट्स मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। अदरवाइज बैटिंग सेक्शन में जो 3 सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो आप समझ लो, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ। ए चैम्बर सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सेकेंड बेस्ट ऑप्शन दोस्तों ए अतुर है, आप इनको ट्राई कर सकते हो। थर्ड बेस्ट ऑप्शन दोस्तों आपका ए कादिर का है, और फोर्थ बेस्ट ऑप्शन में दोस्तों आप एस अटारी को ट्राई कर सकते हो। और अटारी दोस्तों आपको बॉलिंग करके देगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक ना। यही 4 प्लेयर पर बस मेनली फोकस रखिए, अदर जितने भी है ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक ना। चलिए आइएगा ऑलराउंडर सेक्शन में, ए सिंह इंपॉर्टेंट पिक है यार। जानते हो ये जो ए सिंह का फोटो दिया हुआ है ना, ये वो ए सिंह नहीं है जिनका दोस्तों ये फोटो दिया हुआ है। ये जो ए सिंह है ना, ध्यान रखना 2020 में इन्होंने लास्ट मैच खेला था, जैसा मेरे को रिकॉर्ड मिला है, और वो भी इनका T20 का रिकॉर्ड है। T20 में इन्होंने 3 मैच खेले हैं जहाँ पे बैटिंग से 71 रन और बॉलिंग से 4 विकेट लिए 10 ओवर बॉलिंग करके। देखो दोस्तों जिस फोटो में ए सिंह दिया गया है वो ए सिंह नहीं है, लेकिन स्टिल लेके जरूर जाना है क्योंकि रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, और इंटरनेशनल लेवल पे दोस्तों ये T10 का रिकॉर्ड है इनका, सॉरी T20 का। नीचे आपको एस रिहान का ऑप्शन मिलेगा, इनका भी सिलेक्शन बहुत हाई है बट रिकॉर्ड बहुत बाहियात है दोस्तों। आप रिकॉर्ड देखो, इन्होंने ना T10 2022 में खेला था, 2023 में कोई मैच नहीं खेला था, और वहाँ पर 12 मैच खेले थे, बैटिंग से 53 रन स्कोर किए थे और बॉलिंग से 12 मैच में 2 विकेट लिए थे 4 ओवर बॉलिंग करके। अब बताओ इस रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए क्या लेना चाहिए इनको? नहीं लेना चाहिए ना, इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ। नीचे आइएगा दोस्तों आपको ओ फारूकी का ऑप्शन मिलेगा, 10 मैच खेले T10 2023 में, जहाँ पे बैटिंग से 123 रन स्कोर किए और 10 मैच में 13 ओवर बॉलिंग करके 6 विकेट प्रोवाइड किए। ट्राई करना चाहो कर सकते हो, रिकॉर्ड बहुत खराब भी नहीं है बहुत अच्छा भी नहीं है। नीचे आइएगा दोस्तों तो आपको जय सिंह का ऑप्शन मिलेगा, इनको जरूर लेना, इनके बिना जाना मत दोस्तों। लास्ट ईयर 7 मैच खेले थे, बैटिंग से कुछ नहीं किए थे, सिर्फ 19 रन ही किए थे, बट 7 मैच में बॉलिंग से ना आपको 12 विकेट प्रोवाइड किए थे और 14 ओवर बॉलिंग किए थे, सभी मैच में 2 ओवर कन्फर्म बॉलिंग करते हैं। नीचे आपको ए सिक्की का ऑप्शन मिलेगा, 5 मैच खेले थे लास्ट ईयर, जहाँ पे बैटिंग से 47 रन और 5 मैच में 7 ओवर का बॉलिंग करके 2 विकेट प्रोवाइड किए थे। बॉलिंग दोस्तों आपको ए सिद्ध की जरूर करके देंगे। फिर नीचे आपको आर दास का ऑप्शन मिलेगा जो 6 मैच खेले T10 में, जहां पे बैटिंग से 69 रन स्कोर किए हैं और 6 मैच में दोस्तों 7 ओवर बॉलिंग जरूर किए, लेकिन आज तक 1 विकेट भी दोस्तों नहीं मिला है। नीचे आइएगा दोस्तों तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन वाई मे का, जो दोस्तों 7 मैच खेले T10 में, जहाँ पे 11 ओवर बॉलिंग करके आपको 2 विकेट प्रोवाइड किए हैं। फिर नीचे आपको एस प्रताप का ऑप्शन मिलेगा जो दोस्तों T20 मैच खेल के आ रहे हैं, T20 में दोस्तों इन्होंने 6 मैच खेला है, जहां पे बैटिंग से 72 रन स्कोर किए और बॉलिंग से आपको 3 विकेट प्रोवाइड किए हैं। नीचे आपको एस विश्वास का ऑप्शन मिलेगा, ये भी बंदा दोस्तों T20 खेल के आ रहे हैं, T20 में दोस्तों इनका 3 मैच का रिकॉर्ड मिला है, जहाँ पे बैटिंग से इन्होंने 246 रन स्कोर किए और 3 मैच में 4 ओवर बॉलिंग किए हैं, बट विकेट इनको नहीं मिला है। नीचे जितने भी प्लेयर हैं ना, मेनली दोस्तों इनका T20 ही खेल के आ रहे हैं। इनमें से दोस्तों एम खान का एक और मेरे पास स्टैट्स अवेलेबल है, इन्होंने दोस्तों T20 में 12 मैच खेला है, जहाँ पे बैटिंग से 172 रन और 12 मैच में बॉलिंग से 7 विकेट। ये एक अच्छा रिकॉर्ड है, और उम्मीद करते हैं इनका नाम प्लेइंग 11 में हो तो आप GL में ट्राई कर सकते हो, फर्स्ट मैच में स्मॉलिंग में मत करना, ठीक ना। स्मॉलिंग में ऑलरेडी दोस्तों ऊपर में काफी अच्छे ऑप्शन है, आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। बॉलिंग सेक्शन में दोस्तों इस मैच में ना सबसे बेस्ट आपको ऑप्शन मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों एन गवानी का, इनका परफॉर्मेंस देखे तो 6 मैच खेले T10 में, जहां पे 5 विकेट लिए हैं दोस्तों 8 ओवर का कंप्लीट बॉलिंग करके। नीचे आपको एस आलम का ऑप्शन मिलेगा जो दोस्तों 4 मैच के लिए T10 में, जहां पे 7 विकेट इन्होंने लिया है दोस्तों 7 ओवर का कंप्लीट बॉलिंग करके। नीचे आपको मिल जाएगा एम रहमान का ऑप्शन जो 5 मैच के लिए T10 में, जहां पे 5 विकेट लिए हैं दोस्तों 8 ओवर का कंप्लीट बॉलिंग करके। फिर नीचे दोस्तों आपको ए सिंह का ऑप्शन मिलेगा जो दोस्तों 10 मैच खेले थे लास्ट ईयर T10 में, जहाँ पे बैटिंग से 61 रन
और इस 10 मैच में दोस्तों आपको बॉलिंग से 8 विकेट लिए थे, टोटल इन्होंने 15 ओवर का बॉलिंग किया था। फिर नीचे आएगा दोस्तों तो आपको आर चौधरी का ऑप्शन मिल जाएगा, जो लास्ट ईयर 7 मैच खेले थे T10 में, जहाँ पे बैटिंग से 30 रन स्कोर किए थे, और वहीं दोस्तों 7 मैच में बॉलिंग से आपको 7 विकेट प्रोवाइड किए थे 12 ओवर कंप्लीट बॉलिंग करके। फिर नीचे दोस्तों आपको एस शर्मा का ऑप्शन मिल जाएगा, जो 5 मैच खेले दोस्तों T10 में, जहाँ पे दोस्तों आपको 4 विकेट प्रोवाइड किए 5 ओवर का दोस्तों कंप्लीट बॉलिंग करके। फिर नीचे आएगा दोस्तों तो आपको एस सुकरण का ऑप्शन मिल जाएगा, जो 7 मैच खेले दोस्तों T10 में, जहाँ पे सिर्फ 1 विकेट लिए 2 ओवर का बॉलिंग करके, कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है ड्रॉप करके चलना। ए अमरुल का दोस्तों ठीक ठाक रिकॉर्ड है, 10 मैच इन्होंने दोस्तों खेले T10 में, जहाँ पे आपको 6 विकेट प्रोवाइड किए, और प्लस पॉइंट क्या है ना, 10 मैच में इन्होंने 20 ओवर का बॉलिंग किए। तो यदि इस बंदा का दोस्तों आपको नाम प्लेइंग 11 में दिखता है तो कन्फर्म रखना आपको 2 ओवर का बॉलिंग जरूर करके देगा। टी नीचे आएगा दोस्तों तो आपको एम बोकर का ऑप्शन मिल जाएगा, जो 7 मैच के लिए T10 में, जहाँ पे दोस्तों आपको बैटिंग से 45 रन स्कोर किए, और इस 7 मैच में 12 ओवर का बॉलिंग करके आपको 6 विकेट प्रोवाइड किए हैं। नीचे दोस्तों आपको जे नंदू का ऑप्शन मिलेगा, जो T10 तो नहीं खेले, T20 खेल के आ रहे हैं, जहाँ पे दोस्तों आपको बॉलिंग से 6 मैच खेले थे और आपको 3 विकेट प्रोवाइड किए और 11 ओवर का बॉलिंग किए। बॉलिंग थोड़ा कम किए क्योंकि ये इनका T20 का रिकॉर्ड है, T20 में 6 मैच में कम से कम टोटल तो 36 ओवर होता है, इन्होंने सिर्फ 11 ओवर ही बॉलिंग किया है, थोड़ा सा कम है। नीचे आइएगा दोस्तों तो आपको और ऑप्शन देखे तो एम तुषार का एक मेरे पास रिकॉर्ड अवेलेबल है, इन्होंने 2 मैच खेला है T20 में, जहाँ पे दोस्तों इन्होंने 2 ओवर का बॉलिंग किया था बट दोस्तों विकेट नहीं मिला था। नीचे से एक और प्लेयर का मेरे पास रिकॉर्ड दोस्तों अवेलेबल है, एस सिंह का। एस सिंह दोस्तों अच्छा करके आ रहे हैं T20 में, इन्होंने दोस्तों टोटल 12 मैच खेले, जहां पे आपको बॉलिंग से 10 विकेट प्रोवाइड किए, और 12 मैच में दोस्तों इन्होंने टोटल, ध्यान रखिएगा, 40 ओवर का बॉलिंग किया है। तो यदि ये बंदा खेलता है तो आपको हो सकता है कि 2 ओवर का बॉलिंग कर ले, ठीक ना। नाम इनका एस सिंह है, सिलेक्शन बहुत ज्यादा कम है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम लोग कैप्टन बीसी इस मैच के रिगार्डिंग। तो कैप्टन दोस्तों एस सिंह रहेंगे मेरे, बीसी दोस्तों मैं जा रहा हूँ ए चैम्बर के साथ। अब देखो कैप्टन बीसी के लिए ना और ऑप्शन में आप जी सिंह को ट्राई कर सकते हो, जी सिंह विकेट टेकर बॉलर है, 2 विकेट से कम जल्दी लेता नहीं है दोस्तों, एक ये भी ऑप्शन है। ओ फारूकी को मैं नहीं कर रहा हूँ अभी, ट्राई आप करना चाहो कर सकते हो, विकेट इसको थोड़ा कम मिलता है लेकिन खराब ऑप्शन नहीं है, ट्राई करना चाहो कर सकते हो। अभी के लिए आप सभी दोस्त सिस्टम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जाइए सेम टीम के साथ कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके रखिए। कोई प्लेयर यदि इस टीम से नहीं खेलेगा तभी चेंज करना, यदि सभी प्लेयर खेले आप आराम से इस टीम के साथ जा सकते हैं। हम लोगों ने दोस्तों LSG टीम को फेवर किया है क्योंकि LSG की टीम के पास ना ये 2 ऐसे प्लेयर है जो अपने दम पे दोस्तों मैच को खत्म कर देंगे, तो इसलिए मैंने LSG टीम को फेवर किया है। और एक और चीज का ध्यान रखिएगा, कोई प्लेयर यदि इस टीम से ना खेले तो फाइनल टीम में एक बार फिर से आपको टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा। न्यू मेंबर है अभी तक आपने टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए तो जरूर कर लीजिएगा, इसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ दोस्तों कमेंट सेक्शन में भी फर्स्ट कमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा, जाइए दोस्तों टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए, ठीक ना। और साथ ही साथ दोस्तों यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट कोशिश कीजिएगा नोटिफिकेशन का घंटी बजा दे, जिससे दोस्तों आने वाले वीडियो का आपको इजीली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक ना दोस्तों। तो फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर दोस्तों एंड बाय।